फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने CMF फोन 1 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को ना इनेबल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है, ठीक है। डायल पैड को ओपन कीजिए। अब डायल पैड में सबसे ऊपर ही आपको 3 डॉट का ये ऑप्शन है, 3 डॉट पे टैप करना है। अब आपका पेज आता है, इसमें आपको सेटिंग पे टैप करना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड ये कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग पे टैप करना है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाता है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड अननोन नंबर, इसके सामने वाले बटन को टैप करके ऑन कर देना है, ठीक है। और इसे ऑलवेज रिकॉर्ड का ये ऑप्शन टैप करना है, तो ये बटन आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो अपने मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी कोई अननोन नंबर आएगा जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग जो है, बातें जो है, सेव हो जाएगी। और नीचे ऑप्शन है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड दिस नंबर, तो आप इस पर टैप करके इसके अंदर आप जो है ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर पे इस बटन को भी ऑन कर सकते हैं, और इसे ऑलवेज रिकॉर्ड पे टैप कर दीजिए, तो ये बटन ऑन हो जाएगा। इससे होगा ये कि आप यहाँ पे चूज अ कॉन्टैक्ट पे सिलेक्ट करके आप कोई भी नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो नंबर आपने सिलेक्ट क्या होगा उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग होगी वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है ना, जब भी आप उससे कॉल पे बात करेंगे। तो दोस्तों ये सेटिंग आप दोनों सेटिंग आप ऑन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है।